नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। सीमा हैदर और सचिन मीना लगातार किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं। पाकिस्तानी भाभी के नाम से मशहूर सीमा हैदर और उनके भारतीय पति सचिन मीना अपनी सरहद पार प्रेम कहानी को लेकर चर्चा बटोरते रहते हैं। कुछ दिन पहले ही सीमा हैदर के एक करीबी ने उनके बारे में एक नया खुलासा किया था, जिसकी वजह से सीमा हैदर की चर्चा फिर से शुरू हो गई थी। लेकिन फिलहाल सीमा हैदर की मुश्किलें बढ़ गई हैं और वो कानूनी शिकंजे में फंसती जा रही हैं। ऐसे भी ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर सीमा हैदर ने ऐसा क्या कर दिया है जिससे उनकी मुसीबतें बढ़ गई। कानूनी शिकंजे में फंसी सीमा हैदर, पानीपत कोर्ट ने जारी किया नोटिस, 2 जुलाई को अदालत में होना है पेश, पाकिस्तानी पति के अर्जी पर आदेश। पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते अवैध तरीके से भारत आई सीमा हैदर अपने पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर की वजह से सुर्खियों में आ गई है। सीमा की मुश्किलें फिर बढ़ती नजर आ रही। पाकिस्तानी नागरिक गुलाम हैदर ने भारतीय वकील मोमिन मलिक ने पानीपत जिला न्यायालय में केस दायर कर दिया है। इसमें सीमा हैदर के साथ रबुपुरा के थाना प्रभारी, यूट्यूब, फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम को भी पार्टी बनाया गया है। इस मामले में कोर्ट ने सभी को नोटिस जारी करते हुए 2 जुलाई को पेश होने के लिए कह दिया है। गुलाम हैदर ने अपने भारतीय वकील मोमिन मलिक के जरिए आरोप लगाया है कि सीमा ने गुलाम को बिना तलाक दिए दूसरी शादी रचा ली है। गुलाम ने वकील मोमिन मलिक के जरिए फैमिली कोर्ट में शादी को लेकर चुनौती दी थी। इसमें सीमा को गुलाम के दस्तावेजों के आधार पर ही जमानत मिली थी। सीमा के पाकिस्तानी पति गुलाम ने अपने भारतीय वकील मलिक के जरिए सीमा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनको बदनाम करने की कोशिश की गई। जानकारी के मुताबिक अब इसी मामले में वकील मोमिन मलिक ने जिला अदालत में क्रिमिनल केस दायर करवाया है। इसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी छवि को धूमिल करने का आरोप लगाया गया। वकील मलिक का कहना है कि कोई भी विदेशी व्यक्ति भारत सरकार के बिना अनुमति लिए कोई भी फिल्म रील्स नहीं बना सकता। इस दौरान सीमा ने सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर फिल्म और रील्स भी बनाई है। वकील मलिक का आगे ये भी कहना है कि सीमा उनको और देश के लोगों को भी उल्टा सीधा बोल रही है। मलिक ने इस मामले में सिविल जज हिमानी गिल की अदालत में याचिका दायर की है। अब कोर्ट ने उसकी याचिका को कबूल करते हुए मामले में सीमा हैदर, ग्रेटर नोएडा के थाना रबुपुरा के थाना प्रभारी सहित यूट्यूब, फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम को कोर्ट से नोटिस जारी किया है। जिला अदालत की ओर से इन सभी को 2 जुलाई को पानीपत जिला न्यायालय में पेश होने का आदेश दिया गया है। बता दें कि भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की सुर्खियों में छाई सीमा हैदर की कहानी किसी इंद्रजाल से कम नहीं लगती है। शादीशुदा सीमा ने अपना देश छोड़कर अवैध रूप से भारत में एंट्री की। यहां आने के बाद उसने नोएडा के सचिन को अपना पति भी कहना शुरू कर दिया और तो और उसके साथ आए बच्चे, 4 बच्चे, सचिन को पापा भी बुलाने लगे। सीमा का कहना है कि वो अपने प्यार के लिए भारत आई है। वहीं जांच एजेंसियां उस पर जासूसी सहित कई तरह की शंकाओं को लेकर पूछताछ करती रही है। कुछ दिन पहले सीमा हैदर को लेकर सनसनीखेज दावा किया गया जिसने सबके होश उड़ा दिए। दरअसल एक ऑडियो क्लिप के मुताबिक सीमा अक्सर पाकिस्तानी फौज के ट्रेनिंग सेंटर जाती थी। सीमा के बारे में ये बातें बताने वाला शख्स भारत में गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक के संपर्क में है। मोमिन ने उसकी पहचान उजागर नहीं की है, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं उसे कोर्ट में पेश करने की कोशिश करूंगा। दरअसल पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत आई सीमा हैदर से जुड़ा एक ऑडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। इस ऑडियो में एक पाकिस्तानी शख्स खुद को सीमा हैदर का करीबी बता रहा था। ऑडियो में शख्स को सीमा के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर के वकील से बातचीत करते हुए सुना जा सकता है। पाकिस्तानी शख्स का कहना है कि सीमा हैदर अपने चाचू गुलाम अकबर के पास जाती थी, जो कि पाकिस्तानी आर्मी में है और वह पाकिस्तान की सेना के जवानों से ट्रेनिंग देते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे ऑडियो में सीमा हैदर का पहला पति गुलाम हैदर का भारतीय वकील मोमिन मलिक और एक पाकिस्तानी युवक आपस में बातचीत कर रहे हैं। सीमा हैदर के पाकिस्तान में अपने चाचा के पास आर्मी कैंप में रहने की बात कही जा रही है। इसके अलावा पाकिस्तानी युवक इस बातचीत में यह भी बताता सुनाई दे रहा है कि सीमा हैदर को पबजी गेम खेलने भी नहीं आता। वहीं इस ऑडियो के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में वायरल होने के बाद ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में रहने वाली सीमा हैदर ने भी इस मामले पर सफाई दी थी। बता दें कि वायरल हो रहे ऑडियो के बारे में बताते हुए गुलाम हैदर के भारतीय वकील मोमिन मलिक ने बताया कि सीमा हैदर के एक पाकिस्तानी जानने वाले व्यक्ति की ओर से एक स्टेटमेंट दी गई है। उसको देखते हुए ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में रह रही सीमा हैदर की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी खतरा है।
मोमिन मलिक ने बताया कि सीमा हैदर पाकिस्तान में अपने चाचा के पास आर्मी कैंप में जाया करती थी और वहां पर 8 से 10 दिन रहकर फिर वापस घर आ जाती थी। इसके साथ ही गुलाम हैदर ने बताया कि सीमा हैदर को जो रक्षा वाला आर्मी कैंप लेकर जाया करता था उसकी तलाश भी की जा रही है, लेकिन वह आज तक लापता है। इसके साथ ही सीमा के परिचित ने बताया कि सीमा हैदर मोबाइल सॉफ्टवेयर और लैपटॉप को चलाने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट है। ऑडियो रिकॉर्डिंग में पाकिस्तान के व्यक्ति ने बताया कि सीमा हैदर को पबजी तक खेलने नहीं आता। पाकिस्तान में बैन होने के बाद भी सीमा टिकटॉक चलाया करती थी। वहीं अब इस मामले में सीमा हैदर के मुबोला भाई और वकील एपी सिंह ने एक वीडियो के जरिए बयान जारी करते हुए कहा कि इन दिनों सोशल मीडिया पर सीमा से जुड़ा एक ऑडियो वायरल हो रहा है। ऐसे में भारत की सुरक्षा एजेंसी को सभी बिंदुओं पर जांच करनी चाहिए, चाहे सीमा हैदर हो या अन्य हो जिनकी ऑडियो वायरल हो रही है। सभी की सुरक्षा एजेंसी को जांच करनी चाहिए और उनको उसके बाद उचित कार्यवाही भी करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय NIA से इस मामले की जांच कराए। इसके अलावा इस पूरे मामले पर सीमा हैदर का भी एक वीडियो सामने आया, जिसमें सीमा हैदर का कहना है कि वह ग्रेटर नोएडा के पास स्थित रबीपुरा में सचिन मीना के घर पर रह रही है और उसकी पुलिस सहित अन्य कई सुरक्षा एजेंसियां जांच करें, सभी के पास सीमा का मोबाइल नंबर है, अगर वह गलत है तो पुलिस उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। वहीं जब गुलाम हैदर के वकील ने उस पाकिस्तानी शख्स से पूछा कि पहले वह अकेले भारत आई थी फिर यहां से चली गई, इसके बाद वह अपने बच्चों को लेकर आई तो ऐसा क्यों किया, इस पर पाकिस्तानी शख्स ने उन्हें जवाब देते हुए कहा था कि सीमा हैदर ने अपने बच्चों को वहां ढाल बनाकर रखा है ताकि कोई उससे सख्ती से ना पेश आए और ना ही वो पकड़ी जाए। जब वह यहां से भारत जा रही थी तब बस में अपने बच्चों को लेकर बैठी थी और जैसे ही एक पुलिस वाला उसकी तरफ पूछताछ करने के लिए पहुंचा उसने अपनी बड़ी बेटी के मुंह में उंगली डालकर उल्टी करवा दी, जिससे पुलिस वाला बिना पूछताछ किए ही वहां से चला गया। जब गुलाम हैदर के वकील ने पाकिस्तानी शख्स से पूछा कि सीमा हैदर यहां बताती है कि गुलाम हैदर उसे मारता है, जिस पर उसने बताया कि सीमा ही गुलाम को मारा करती थी, वह तो बेचारा उससे बहुत प्यार करता था, सीमा उसे छोड़कर गई। गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक के मुताबिक सीमा पाकिस्तान से 2 बार भारत आई है, पहली बार वो अकेले आई थी और बाद में बच्चों को लेकर आई, इसके सबूत भी है। गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक के मुताबिक सीमा पाकिस्तान से 2 बार भारत आई है, पहली बार वो अकेले आई थी और बाद में बच्चों को लेकर आई, इसके सबूत भी है। इधर गुलाम हैदर के वकील मोमिन ने एक वीडियो जारी किया और बताया कि सीमा हैदर भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, आने वाले समय में वह भारत की सुरक्षा को कोई ना कोई नुकसान जरूर पहुंचाएगी। जिस हिसाब से सीमा के करीबी ने उसके बारे में जो कुछ बताया है उसे ध्यान में रखते हुए उसकी जांच होनी चाहिए और उसे जेल भेज देना चाहिए। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले सीमा हैदर का एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हुआ था, उसमें सुनाई दे रहा था आवाज हूबहू सीमा हैदर जैसी ही थी। फिर कई फोटो वीडियो और ऑडियो भी सामने आए जिसमें सीमा अपने पति सचिन और उसके परिवार पर पीटने का इल्जाम लगा रही थी। हालांकि सीमा हैदर ने इन सभी ऑडियो और वीडियो को झूठा ठहरा दिया। वहीं पहले भी चाचा और भाई के पाकिस्तानी सेना में होने के मामले में सीमा हैदर कह चुकी है कि उनके चाचा उसके जन्म से पहले से ही सेना में भर्ती हुए थे, जिनके बारे में उन्हें कोई खास जानकारी नहीं है। वो अपने भाई के बारे में सीमा हैदर ने कहा कि उसका भाई पहले मेहनत मजदूरी करता था। सीमा हैदर ने कहा कि जब सचिन से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था तब उसका भाई कराची में रहकर मजदूरी करता था। वर्ष 2022 में सीमा हैदर के अब्बू ने उसके भाई को किसी से बातचीत कर सेना में भर्ती करवाया था। सीमा हैदर ने कहा कि उसका भाई सेना में एक छोटा सा सिपाही है, उसकी क्या औकात है कि वह कुछ कर सकता है, अभी भर्ती हुए उसे कुछ ही दिन हुए हैं, ऐसे में किसी जासूसी के बारे में वह कैसे कुछ कर सकता है। सीमा हैदर ने साफ कहा कि वह कोई जासूस नहीं है, वह सचिन के प्यार में भारत आई है। तो एक बार फिर से सीमा हैदर बड़ी मुसीबत में फंसती नजर आ रही है। वहीं बार बार आरोप लगने के बाद सीमा हैदर रोने पर अब मजबूर हो गई है। इस स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल TV उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं।
संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़ ना कोई रेस, कैपिटल टी उत्तर प्रदेश।